ओहो बस कर ना पुत्र, जिसको जो लेना होगा ले लेगा, तू बैठ तू भी खा साथ में। करिश्मा कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है? करिश्मा हाय एवरीवन, कहाँ थी तुम? अभी हम तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैं बस आई रही थी भाभी। Yes, now is the right time. जो मैंने सोचा है अब वो करना है। सिंस आप लोग सब यहीं पर ही हैं तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बात क्या करनी है? इनफैक्ट माफी मांगनी है, स्पेशली ऋषि भाई से। नहीं ऋषि भाई, ये इंपॉर्टेंट है यार। मुझे ऋषि भाई ने उस दिन डांट दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं घर से बाहर चला गया। सिंस मैं बहुत गुस्से में था तो गुस्से में जाके मुझसे एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत घबरा गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। और इसलिए भी ज़्यादा डर गया था क्योंकि आई वॉज ड्रंक। इसलिए मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। मैं बहुत डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नो, मैं तो और बुरा है, फैमिली का भी नहीं हूँ। और मैं अपने मामा मामी के साथ रहता हूँ। मेरी मॉम भी अपने मायके में रहती है। और ये बात लोगों को पता चल जाती तो उन्हें तो गॉसिप का मौका मिल जाता ना। आई डोंट नो वो क्या क्या बोलते मेरे बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, मॉम के बारे में। ये सब सोच के मैं बहुत डर गया था। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ, मुझे सिर्फ एक ही चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आया, लक्ष्मी भाभी का। और मैंने फिर इनको कॉल किया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये एक बहन की तरह और एक माँ की तरह मेरे पास आ गई। वो मुझे संभाला, पूरी सिचुएशन संभाली और यहाँ तक कि अपने पे भी ब्लेम ले लिया। और एज यूजुअल मेरा गुनाह किसी से डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था। थैंक यू भाभी। और मैं आप लोगों से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रियली सॉरी मामी, सॉरी मामा। आई स्वेयर मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा, आई स्वेयर। पर इन सब के बाद भी अगर मामी मामा नानी आप मुझे डांटना चाहते हो, मुझे पनिश करना चाहते हो, मैं सारी डांट सुन लूंगा, मैं तैयार हूँ किसी भी पनिशमेंट के लिए। आई एम रेडी मॉम। आप मुझे जितना पनिश करना चाहते हो यू कैन, आई से नथिंग मॉम, आई स्वेयर यू कैन पनिश मी। क्या है आयुष बेटा, ये तुम्हारे जनरेशन के जो बच्चे हैं ना वो गलती तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती मानते नहीं। बेटा तुम्हारे लिए पनिशमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली, एक्सेप्ट की। You know, in fact, I'm proud कि मेरा आयुष बेटा ऐसा है। हाँ, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगी ना, और दोबारा ऐसी गलती की तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। Never, मामी। तुम इस परिवार के नहीं हो, मामा मामी के घर में रहते हो, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? ऐसी बातें कहोगे ना तो पिटोगे हमसे। तुम डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।